पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो एकदम बढ़िया होंगे। शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। इससे पहले आप सारे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सी चीज़ें है ना। तो आज हम लोग जो विशिष्ट बालक होते हैं इनको किस प्रकार निर्देशन की और परामर्श की आवश्यकता होती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये पढ़ने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं ये कौन होते हैं, है ना। तो जो आपके विशिष्ट बालक होते हैं वो कौन होते हैं, इसके विषय में अगर हम आपको बताएं तो देखिएगा, जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सिर्फ आप सोचते होंगे कि भाई जो अक्षम है, अक्षम का मतलब भाई कोई हाथ से नहीं मतलब काम कर सकता है, कोई आँख से देख नहीं पा रहा है ना, कोई कानों से सुन नहीं पा रहा है, तो यही विशिष्ट बालक है। हमने कहा देखिए, आपका सोचना एकदम सही है, ये तो विशिष्ट बालक हैं ही। इनके साथ में जो बच्चा एकदम क्लास में कह सकते हैं टॉप करता है ना आपका, वो भी विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं बालक को? आप अपवाद होते हैं ये एक तरीके के आपके। तो देखिएगा, ये समझते हैं कि सबसे पहले विशिष्ट बालक का क्या मतलब होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक बार ये चाहेंगे आपसे कि आप लोग एक बार सेशन को एज़ यूजुअल शेयर कर दीजिए। अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो फटाफट से कर ही दीजिए, और सेशन एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक। ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए समझते हैं विशिष्ट बालक क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, ना सिर्फ कह सकते हैं बीएड के दृष्टिकोण से, अभी तो आपका ये जो टॉपिक है ये टेट सीटेट के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विविध आवश्यकता वाले बालकों को हम अपवादी बालक भी कहा जाता है। सामान्यतः वे बालक जो अपनी योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, समझिएगा अलग होते हैं। ये नहीं बताया गया कि उनकी भाई उम्र में इतने बुद्धि लब्धि होनी चाहिए तो उससे ज़्यादा है या कम है, अलग होते हैं उनसे, ये बताया गया है। विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं, है ना। इन बच्चों का मानसिक विकास या तो इतना अधिक होता है, बस यहीं से समझिएगा बात को, कि इनका जो मानसिक विकास होता है वो या तो इतना अधिक होता है कि वे आगे निकल जाते हैं, है ना, या फिर इतना कम रहता है कि वो अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। देखो, अभी हमने आपसे बताया था ना कि आप सिर्फ यही नहीं सोचिए कि भाई जो बालक पीछे रह जाते हैं वही विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत वो भी बच्चे आएंगे कि जिनका मानसिक विकास तो इतना अधिक हो जाता है कि वो सबसे ही आगे निकल जाते हैं, वो भी विशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। कुछ विद्यालय कह सकते हैं, कुछ विशिष्ट बालक ऐसे होते हैं कि जिनका इतना कम होता है कि वो अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इन आप समझिएगा बात को, तो फिर इन दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के बच्चों को हम अलग अलग प्रकार की शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं या इनकी आवश्यकता बच्चों को होती है। तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं और ये भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। मतलब बच्चा एक भाई ये हैं, ठीक है, ये इनसे जो है सीधी सी बात है जो इनका मानसिक विकास होगा हर एक चीज़ होगी वो इनसे अलग होगा। तो ये जो अलग होगा तो ये किस विषय में अगर हम बात करें, तो चाहे देखो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे अन्य प्रकार से चीज़ें हों, ये उन सब में क्या होंगे, अलग होंगी। प्रत्येक बालक की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व किसी दूसरे बालक से अलग होती है। कुछ बालक कार्य करने में इतने कुशल व तीव्र होते हैं कि वे अन्य बालकों से आगे निकल जाते हैं, व कुछ इतने ढीले होते हैं कि वे पिछड़ जाते हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से सामान्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है, पर यह भिन्नता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि वह बालक किसके श्रेणी में आ जाता है, तो वह बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। और ये भिन्नता आपकी कभी कभी तो पॉजिटिव हो जाती है, भाई मान लो कोई बच्चा बहुत तेज़ है वो आगे निकल गया, तो वो तो एक सकारात्मक तरीके से भिन्नता हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो तो सकारात्मक तरीके से वो विशिष्ट बालक हो गया। लेकिन कभी कभी वो बच्चा मानसिक या शारीरिक या किसी कारण बस क्या हो जाता है, अन्य बालकों से पीछे रह जाता है, तो वो जो आपका विशिष्ट एकपन है वो किसकी वजह से आएगा, वो ऋणात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, जो किसी भी दिशा में हो सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्रो ने क्या बताया कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालक वे हैं जो सामान्य बालकों में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक या सामाजिक विशेषताओं में इतनी अधिक दूरी पर हैं कि अपनी उच्चतम योग्यता तक
विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। रेवर तथा रबर के अनुसार अगर हम बात करें तो असाधारण बालक, जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है, इनका तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं में के होते हैं। ठीक, उसके बाद में टेलफोर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब इसी तरीके से बहुत सारे आपके जो ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे, इन्होंने विशिष्ट बालकों को लेकर के अपनी डेफिनेशंस दी हैं। शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विशिष्ट बालक की अगर हम बात करें तो समझिएगा कि फिजिकल लेवल के, मेंटल लेवल के और इमोशनल एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो आइए समझते हैं इनको भी। तो व्यक्तिगत भिन्नता को जानने से पूर्व सभी बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। भाई देखो, जब तक हम जानते नहीं हैं चीज़ों को तो सबको हम लोग किस में रखेंगे, सामान्य श्रेणी में रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी बालकों को सामान्य मानकर हम लोग चलते हैं। कुछ बालकों को जो सामान्य से भिन्न होते हैं उनको हम असामान्य मान लेते हैं, एबनॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के विकास के साथ ही उन बालकों की ओर ध्यान दिया गया जो सामान्य से थोड़ा भिन्न होते हैं। जो आप बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं या जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भाई धीरे धीरे इस बात पर ध्यान दिया गया कि जो बालक अलग हैं, तो इन पर जब ध्यान दिया गया तो पता चला कि सामान्य से थोड़ा भिन्न थे। अब उन्हें सामान्य बालकों से पृथक बालक समझा जाने लगा। दो बालक, चाहे वे जुड़वा हों क्यों ना हो, एक ही दूसरे से पृथक पृथक या भिन्न समझा जाता है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, समझिएगा बात को। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिकांश छात्र समूह औसत से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक तथा मस्तिष्क, शारीरिक तथा मानसिक भिन्नता के कारण विशिष्ट कहे जाते हैं। इसमें सीखने की अक्षमता, बाध्यता तथा शारीरिक दिव्यांगता पाई जाती है। ये बालक दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा मंद बुद्धि, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म तथा अधिगम अक्षमता रखते हैं। मतलब किस प्रकार की अक्षमता होती है इनमें, हो सकता है भाई दृष्टि से संबंधित अक्षम हो, वो सुनने में अक्षम हो, है ना, बोल नहीं पा रहे हैं, या वाणी में कोई अक्षमता हो। जैसे कुछ बच्चे होते तो आपने देखा होगा थोड़ी देर से बोलते हैं या शब्दों को रुक रुक कर पढ़ते हैं, ना इस तरीके की चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समस्त बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं, या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, या प्रतिभावान या सृजनात्मक बालक हैं तथा ये बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों से हमेशा भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। भाई जो पिछड़ा बालक है उसका बिहेवियर और जो नॉर्मल बच्चा है उसका बिहेवियर एकदम अलग होगा। इस प्रकार यदि एक समरूप समूह के बालकों के लक्षणों का मापन किया जाए तो उसका वितरण सामान्य वक्र के समान होता है, जैसा निम्न चित्र में दिखाया गया। सामान्य चित्र कुछ इस प्रकार का होता है कि भाई देखो, ये जो आप डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, जिसको मैंने रेड कर दिया, ये तो हो गया एक सामान्य जो बालक होता है उसके लिए। ठीक, अब जो ऋणात्मक रूप में जो कह सकते हैं हम पिछड़ा है, तो उसको हम यहाँ समझ सकते हैं, और जो आगे है उसको हम यहाँ समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस सामान्य वक्र में मध्य में पड़ी लंबवत रेखा यह बताती है कि सामान्य बालक वे हैं जो इस बिंदु पर पढ़ते हैं। तो ये जो मध्य में रेखा है इसको हम क्या समझ रहे हैं कि ये वो हैं जो नॉर्मल बच्चा होता है, वो है। अब बिंदु से हटने वाले समस्त बालक सामान्य से भिन्न हो कहला जाएंगे। अब ये जो इस रेखा से अब इधर आ गए, कुछ इधर मिलेंगे, तो ये जो होंगे ना ये सब जो है सामान्य से भिन्न कहलाएंगे। तो सामान्य वक्र के दाएं ओर तथा बाएं छोर पर पड़ने वाले 10% बालकों को औसत से भिन्न माना जा सकता है। इस प्रकार 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य, समझिएगा, 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को बौद्धिक रूप से भिन्न अर्थात विशिष्ट माना जाता है। 110 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभावान तथा 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मानसिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। चित्र के अनुसार पिछड़े एवं प्रतिभावान बालकों को चोटी के दोनों ओर दर्शाया गया। देखो एक बात ये समझ लो, प्रश्न एक नंबर में पूछा जाता है सीटेट और टेट में क्या, कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम क्या मानते हैं, सामान्य मानते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं वो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, 90 से 110। और अगर 110 से ऊपर है तो हम उनको प्रतिभावान बालक मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रतिभावान मानेंगे। और अगर 90 से कम है तो हम उनको मानसिक रूप से पिछड़े बालक मानेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बुद्धि लब्धि अंकों का कुछ वितरण है, ये आप समझ सकते हैं।
यहाँ पर आपके औसत बालक होंगे, ये आपका पिछड़ा हुआ वर्ग आएगा, ये आपका प्रतिभावान बच्चों का वर्ग आएगा जो 110 से ऊपर वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिभावान बच्चे सब लाई करेंगे और यहाँ पर मंद बुद्धि वाले, है ना। अब भाई विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन की आवश्यकता, जो कह सकते हैं हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन होते हैं ना, इनको निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो शिक्षा की प्रक्रिया, विद्यार्थियों के समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान करने हेतु उन्हें उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। चूँकि विशिष्ट या समावेशी छात्र विभिन्न अशक्तताओं से ग्रसित रहते हैं, इसलिए वे अपनी शिक्षा संबंधी निर्णय या विचार करने में असमर्थ होते हैं, जिसके लिए उन्हें उचित परामर्शदाता द्वारा समुचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इन विद्यार्थियों को उचित निर्देशन एवं परामर्श देकर उनके विकास में सहायता दी जा सकती है। इनकी विभिन्न शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जिसके निवारण के लिए समायोजन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी के लिए निर्देशन एवं परामर्श निम्न प्रकार से आवश्यक हो सकता है। पहला पॉइंट है कि निर्देशन एवं परामर्श देने वाले प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य के समान रूप से प्राप्त करना, जैसे छात्रों की आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वयं को समझने एवं दूसरों को स्वीकार करने, साथी समूह के साथ सहयोग स्थापित करने, शैक्षिक व्यवस्था में अनुमोदन एवं नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने, सफल उपलब्धि की प्राप्ति में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर आदि। अतः निर्देशन एवं परामर्श प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर जोर देने, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। तो देखो, सबसे आपने भी देखा होगा ना, देखो जो आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन आते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो टीचर ने अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ा दिया, अब एक बच्चा है जिसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये बना कहाँ से मैम, ये कैसे सॉल्व हुआ। एक बच्चे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अब जो प्रतिभावान बालक होगा उसको इरिटेशन होगी कि सर आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, ये इतना छोटी सी बात इनको नहीं समझ में आ रही है। अब लेकिन एक शिक्षक को तो सबको लेकर के चलना होगा, चाहे वो प्रतिभावान बालक हो, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो औसत बालक हो या बालिका हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो दिक्कतें आती हैं, जो कह सकते हैं हम आवश्यकताएं पड़ती है परामर्श की, उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे छात्र को स्व क्षमताओं से परिचित कराने के लिए, छात्रों को उनकी स्व क्षमताओं की अनुभूति कराकर उनके परस्पर विकास हेतु उचित निर्देशन एवं परामर्श देना आवश्यक होता है। इसके द्वारा छात्रों को विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन के अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षा की महत्वपूर्ण क्रिया द्वारा छात्रों को अपनी क्षमताओं की पहचान एवं विकास करने में सहायता प्रदान करना। परामर्शदाता छात्र को अपनी क्षमता को प्रयोग प्राप्त अधिगम परिस्थितियों में कराने की प्रमुख भूमिका निभाता है। छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए अगर हम बात करें, तो प्रायः वे विद्यार्थी जो विभिन्न आवश्यकता वाले होते हैं, उनके समक्ष विभिन्न शिक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके निदान के लिए बालक को सहायता की आवश्यकता होती है। उसे ये सहायता शिक्षक द्वारा निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से दी जाती है। अतः परामर्शदाता को समस्याग्रस्त बालकों को अपनी समस्याओं के निवारण हेतु उचित निर्देशन एवं परामर्श देना भी चाहिए, है ना। छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। भाई बच्चा जब होता है, आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस में होता है, कक्षाओं में जब पढ़ रहा होता है, तो उसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक विशिष्ट क्षमता वाले होते हैं तथा बिना उचित निर्देशन और परामर्श के वो क्या कर सकते हैं, कि वे स्वयं अपने निर्णय एवं कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं परामर्शदाता छात्रों की क्रियाओं एवं क्षमताओं का विश्लेषण करके उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने वातावरण से अनुकूल स्थापित करने में सक्षम हो पाते हैं। छात्रों को आपसी सहयोग में योगदान देने के लिए विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के मध्य सहयोग का विकास करना एवं उसे बनाए रखना है। परामर्शदाता को छात्रों की आवश्यकता का पूर्णतया ज्ञान होना आवश्यक होता है। छात्रों को अपने मित्रों, अध्यापकों एवं विद्यालयी पर्यावरण से समायोजन स्थापित करना पड़ता है, जिसमें सहायता देने के लिए उचित परामर्श एवं निर्देशन की आवश्यकता होती है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु बात करें, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु उसकी समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, विद्यालयी इत्यादि समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन एवं परामर्श आवश्यक है, क्योंकि निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करके ही छात्र अपना सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम हो सकता है। अब समावेशी कक्षा को आकार देने में विशिष्ट शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात करें, कि रोल ऑफ स्पेशल टीचर इन शेपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना।
तो समावेशी कक्षा को आकार प्रदान करने के लिए विशिष्ट शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है, चूँकि प्रबंधन कर्ता के रूप में शिक्षक कक्षा प्रबंधन का प्रमुख घटक होता है। विशिष्ट शिक्षा की कक्षा के क्रियाकलापों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। इस प्रकार कक्षा प्रबंधन में उसे कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, जैसे व्यवस्थापक, दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एज अ टीचर आपको एक व्यवस्थापक, एक दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, एक मार्गदर्शक के और एक फ्रेंड के रूप में कार्य करना होता है। कक्षा प्रबंधन संबंधी उसके कई अधिकार उत्तरदायित्व तो भी होते हैं। उसे अनुशासन के लिए उपयुक्त स्वरूप एवं शिक्षक के लिए उपयुक्त आव्यूह अथवा प्रविधियों का उपयोग भी करना पड़ता है। शिक्षक को अपने साथी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य तथा छात्रों के साथ सामाजिक संबंध भी सुदृढ़ रखने पड़ते हैं। अतः समावेशी कक्षा को आकार देने में विशिष्ट शिक्षक की निम्न भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। तो क्या होते हैं कि निर्वहन, आइए समझते हैं। पहला कि शिक्षक के रूप में भूमिका, एक शिक्षक के रूप में कैसी भूमिका होती है, तो प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के लिए एवं समाज के लिए एक आदर्श होता है। सीधी सी बात है, एक टीचर क्या है, आइडियल होता है। किसके लिए, चाहे वो एक सोसाइटी हो, चाहे वो आपके मतलब जिनको वो पढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ वो बच्चे और जो आसपास के हम कह सकते हैं उनके जानने वाले हैं, है ना। तो वो एक टीचर का एक अलग ही रोल होता है, वो एक आइडियल के रूप में समाज के सामने आता है। अतः उसको शिक्षक की भांति ही दिखना भी चाहिए, ये नहीं कि कट्टे फटे कपड़े पहन के चले आ रहे हैं। तो एक मतलब लगना चाहिए कि हाँ टीचर है, तो टीचर की तरह उनका पहनावा से और उनका जो बिहेवियर होना चाहिए ना, जो एक व्यवहार होना चाहिए, ये नहीं कि तू तड़ाका करके बात कर रहे हैं। एक व्यवहार जो होता है ना, आप करके बात करना, टीच एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो अपनी कक्षा को एक उचित आकार देने में क्या करेंगे, समर्थ होंगे। बालक पर शिक्षक की बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे शिक्षक कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातचीत करता है, इन सब का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इन एन इनडायरेक्टली वे में बच्चे का क्या मतलब, बच्चे को इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ता है कि टीचर कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षकों को बालकों के समक्ष एक आदर्श व्यवहार प्रदर्शन करना चाहिए, साथ ही उसे अपने शिक्षार्थियों का व्यवहार एवं उनके सामाजिक तथा संस्कृतियों पृष्ठभूमियों से भी परिचित होना चाहिए। दार्शनिक के रूप में कैसे भूमिका निभाएगा, तो समझिएगा, शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है कि उसे उस विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, उसको अपने पाठ्य विषय पर पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि भाई आप एक विज्ञान के शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो आपको अपने विषय पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उससे संबंधित जो नवीनतम विकास विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने सन 1947 में जो किताबें पढ़ी थी, बस वही ज्ञान है आपको। अब आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंजमेंट्स आ रहे हैं, आपको भी अपने आप को एज अ टीचर उतना ही अपडेट रखना चाहिए चीज़ों को लेकर के ना, ताकि बच्चे कुछ भी पूछे तो आप उनको मदद कर पाओ, ताकि उसके विषय में भी रुचि होनी चाहिए। और अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि शिक्षक प्रभावशीलता के लिए शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण स्वामित्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। मार्गदर्शक के रूप में कैसे एक भूमिका निभाएगा एक शिक्षक, शिक्षक का कार्य छात्रों को व्यक्तिगत एवं अधिगम संबंधी समस्याओं के निदान में छात्रों की सहायता करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करने के लिए उन समस्याओं के कारणों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए एवं छात्रों को उन समस्याओं के कारणों से अवगत करा के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कमजोर कक्षा में पिछड़े छात्रों के लिए शिक्षण उपचार यानी कि अनुवर्ग शिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के रूप में भूमिका की अगर हम बात करें, तो शिक्षक में कक्षा प्रबंधन से संबंधित, बालकों से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना ही क्या योग्यता होनी चाहिए। शिक्षकों में क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान एवं कौशल होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान योजना के द्वारा कक्षा प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और उसके बाद प्रबंधक के रूप में भूमिका की अगर हम बात करें, तो शिक्षक को प्रबंधन के कार्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की भी जानकारी होनी चाहिए। एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं, समझिएगा, एज अ प्रबंधक यानी कि एज अ मैनेजर आपके क्या काम होते हैं, नियोजन, है ना, चीज़ों को नियोजित करना, पर्यवेक्षण, समय समय पर चेकिंग करना, संरक्षण, निर्देशन, संयोजन, मूल्यांकन और शिक्षक प्रक्रिया कर नियंत्रण आदि, ये सब हम कह सकते हैं प्रबंधक के रूप में शिक्षक को बहुत से दायित्वों का निर्वाह
करना पड़ता है, और नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका कैसे निभाना होता है, तो एक प्रबंधक को नेतृत्वकर्ता का गुण होना चाहिए। एक शिक्षक अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करता है। नेतृत्व प्रदान करना शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वर्तमान समय में। समझिएगा, जो आजकल का टाइम चल रहा है ना, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में शिक्षक को बहुत से दायित्वों को पूरा करना होता है, क्योंकि आज समाज बहुत जटिल हो गया है। आज जो समाज है आपका, जो सोसाइटी है, वो बहुत क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। विचारशीलता, ईमानदारी एवं शिक्षक में संबद्धता अध्यापक के या तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन कौन से तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तो समझिएगा, विचारशीलता, ईमानदारी एवं शिक्षक में संबद्धता, ये अध्यापक के तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जो हर शिक्षक के शिक्षक को क्या करते हैं, आकार प्रदान करते हैं। और उन्हीं गुणों के कारण शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करता है, और रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षक करा के कक्षा प्रबंधन में क्या करता है, प्रगति भी करता है। अब विशिष्ट बालकों के क्षेत्र में कुछ प्रयास चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006, भारतीय पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, साथ में राम मूर्ति कमेटी की संस्तुतियाँ जो है, इन सब ये सब एक कार्यक्रम के रूप में काम कर रही हैं। आइए समझते हैं ये विशिष्ट बालकों के क्षेत्र में क्या प्रयास चल रहे हैं इनके विषय में। तो विशिष्ट बालकों में वे समस्त प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित हैं। इन बालकों के क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इन बालकों को सहायता पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन नीतियों में प्रमुख रूप से शिक्षा की राष्ट्रीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006, भारतीय पुनर्वास परिषद, उसके बाद में आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राममूर्ति कमेटी की जो संस्तुतियाँ हैं, है ना, जो रिकमेंडेशन फ्रॉम राममूर्ति कमेटी है, उनकी तरफ से क्या क्या चीज़ें चल रही है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, असमर्थी बालकों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में क्या सुझाव प्रेषित किए गए थे, ये समझेंगे। और 2020 जो आपकी NEP आई है, इसमें आपको समझना है कि विशिष्ट बालकों के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये आपको पढ़ना है अपने एंड से, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। असमर्थी बालकों के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण द्वारा मंत्री द्वारा 10 फरवरी 2006 को लागू की गई। ये असमर्थ बालकों के अधिकारों की रक्षा करने की एक विस्तृत नीति है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक बालक के लिए स्थान हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 इस तथ्य को मानती है कि असमर्थ व्यक्ति भी समाज का एक अटूट अंग है और वे राष्ट्र को बहुमूल्य मानव संसाधन है, इसलिए राष्ट्र उनको शिक्षा तथा जीवन यापन करने के समान अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। NCF 2005 के अनुसार क्या बताया गया कि समावेशन की नीति को प्रत्येक स्कूल एवं संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। बच्चे के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह स्कूल हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों की जीवन की तैयारी कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे, विशेष रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में की जाने वाली बच्चों की इस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ भी मिल सके, यानी कि समावेशन हो सके। उसके अंदर राष्ट्रीय नीति के विवरण के हिसाब से अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय नीति के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान एवं मानव संसाधन होते हैं, तथा ये ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकार की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण भागीदारी का प्रयास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के प्रमुख, कह सकते हैं हम कि जो है प्रमुख पक्षों का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, असमर्थता से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम। इसमें इस बात पर भी बल दिया जाए कि असमर्थता पैदा करने वाले रोगों से बचाव के साधन अपनाए जाए। इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि पुनर्वास संबंधी साधनों को सही ढंग से अपनाया जाए। विभिन्न मामलों में दिव्यांगता को रोका जा सकता है, ऐसे रोगों के रोकथाम के लिए कार्यक्रम को अधिक बढ़ावा देना होगा, जिससे क्या हो सके, दिव्यांगता उत्पन्न हो, समझिएगा, जिससे जो दिव्यांगता उत्पन्न होती है ना, और गर्भावस्था के दौरान उसके बाद होने वाली दिव्यांगता के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अब दिव्यांग महिलाएं, अगर हम डिसेबल्ड वुमेन की बात करें, तो जनगणना 2001 के अगर हम बात करें अनुसार, तो देश में 93.01 लाख दिव्यांग महिलाएं हैं, जो कुल दिव्यांग आबादी का 42.46% हिस्सा निर्मित करती हैं। दिव्यांग महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सेवाओं को विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग महिलाओं के रहने के लिए घर, नौकरी पेशा, महिला के लिए हॉस्टल तथा बुजुर्ग
दिव्यांग महिलाओं के लिए घर प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। अब कब कदम उठाएंगे ये नहीं पता, लेकिन कदम उठाए जाएंगे ये लिखा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, फिर देखो ज़रा, दिव्यांग बच्चों की अगर हम बात करें, जो आपके डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो देखिए भाई, पहला पॉइंट आपका क्या दिया, एक बार फटाफट से अच्छे सेशन को लाइक कर दीजिए, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिव्यांगता के शिकार बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह के होते हैं और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे दिव्यांग बालकों की देखभाल सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करेगी, गरिमा तथा समानता के लिए विकास के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि एक सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाए जहाँ दिव्यांग बच्चे अपना अधिकार क्या कर सके, प्राप्त कर सकें। दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ विशेष पुनर्वास सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा। गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित बालकों के लिए विकास के अधिकार तथा विशेष आवश्यकताओं व देखभाल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार के कुछ कदम थे जो उठाए गए। अवरोध रहित वातावरण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करना असमर्थी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं से संबंधित है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है, ताकि असमर्थ व्यक्ति स्वायत्तता से अपनी क्रियाएँ भी कर सके, यानी कि अपनी मर्जी से चीज़ों को कर सकें। अब दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी का नियमित जो संग्रह है, उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना है ना, उसके अंदर सामाजिक सुरक्षा, गैर सरकारी जो संगठन जिन्हें आप NGOs कहते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के विषय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो हाँ क्या पढ़ेंगे कि भाई क्या पढ़ने जा रहे थे कि दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी जो जानकारियों का निर्मित नियमित संग्रह है इनके विषय में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन वर्ष 1981 से नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष, समझिएगा कब, हर 10 वर्ष पर एक बार दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक दशा से संबंधित आंकड़ों का नियमित संग्रह, प्रकाशन तथा विश्लेषण करता है। जनगणना 2001 से भी जनगणना में दिव्यांग व्यक्ति की सूचनाओं को एकत्र किया जाने लगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 5 साल में एक बार दिव्यांगता के शिकार व्यक्तियों की सूचनाएं एकत्र करनी होंगी, और सामाजिक न्याय तथा आधिकारिकता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों की संचार आवश्यकताओं की पूर्ति सूचना सेवा तथा सार्वजनिक दस्तावेज को आसान बनाकर की जा सकती है। दृष्टि दिव्यांगों को सूचना प्रदान करने के लिए ब्रेल टेप सर्विस, बड़े प्रिंट तथा अन्य उचित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना, सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि असमर्थ लोगों की असमर्थता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। भारत सरकार ने दिव्यांगता के मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देशन भी जारी किए हैं। इसके तहत सरकार सुनिश्चित करेगी कि वह दिव्यांग के लिए व्यक्ति कम से कम समय में बिना किसी परेशानी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके, जिससे के लिए वो सरल, पारदर्शक व ग्राहक को उन्मुख प्रक्रियाओं को भी लागू किया जाए, यानी कि जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो उसको भी मिले। सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी की, दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वालों को पर्याप्त अतिरिक्त व्यय राशि दी जाएगी, ताकि वे दैनिक कार्य, मेडिकल देखभाल, परिवहन सहायक उपकरणों को खरीद सकें, और केंद्र सरकार दिव्यांग व्यक्तियों व उनके अभिभावकों को कारों में छूट दे रही है। ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, और हम कह सकते हैं मानसिक मंद तथा बहुदिव्यांगता से ग्रसित बालकों के माता पिता अपनी मृत्यु के बाद ऐसे बच्चों की देखभाल को लेकर काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थानीय स्तर की समिति द्वारा कानूनी अभिभावकत्व प्रदान करता है। सरकार असमर्थ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। अब देखो, जो गैर संगठन है ना, जो NGO है, यहाँ से हम आपको कल पढ़ा रहे होंगे, फिलहाल इतना आपने पढ़ लिया विशिष्ट बालकों के विषय में, है ना, और सब चीज़ें आपने पढ़ ली, बाकी की जो ये चीज़ें ना NGO वगैरह, और उसके बाद में ना भारतीय पुनर्वास राममूर्ति कमेटी, है ना, ये सब हम आपको कल से परसों के बीच में कवर करवा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में जब 2 दिन में ये कवर हो जाएगा, फिर हम समूह का आध्यात्मिकता शुरू करेंगे, ग्रुप डायनेमिक्स, जिसके बाद में ये आपका पूरा चैप्टर अल्टीमेट तरीके से क्या हो जाएगा, जो आपकी ये यूनिट है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी आपको कार्ट 11 की थ्योरी वोरी सब पढ़नी पड़ेगी, तो अभी आप ये मान लो 10 दिन और लगेंगे कम से कम इसको कंप्लीट करने में, है ना। तो एक बार भैया यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड, एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, और यदि चैनल पढ़ने हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए, और जो भी आपको कुछ कहना है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे पास तक पहुंच जाएगा आपकी बात, है ना। तो पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में, है ना। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी देयर, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।